हेलो बच्चों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल केमिस्ट्री विद अनुराग में। बच्चों, हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने प्रॉपर्टीज ऑफ एल्किन्स पढ़ना शुरू किया था, जिसमें हमने एथीन का एग्जांपल लेके अपनी क्लास को आगे बढ़ाया और उसके सब्स्टिट्यूशन एंड एडिशन रिएक्शंस को देखा। अब बारी है इसके ऑक्सीडेशन, पॉलीमराइजेशन एंड ओजोनोलिसिस की। तो आइए चलते हैं ऑक्सीडेशन कराने। जब हम एथिलीन को ऑक्सीडाइज कराते हैं तो क्या होता है, ये जानना हम लोगों को। एथिलीन यानी कि CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसको हम बेयर्स रिएजेंट से ऑक्सीडाइज कराएंगे। बेयर रिएजेंट मीन्स 1% एल्केलाइन केवेनो4 पोटेशियम पर मैग्नेट। ये वायलेट कलर का होता है, ब्लू वायलेट बैगनी रंग होता है इसका। 1% एल्केलाइन मतलब एक केवेनो4 के साथ आपने KOH ऐड कर लिया, NaOH ऐड कर लिया, तो यहां पर नेसेंट ऑक्सीजन आता है बेयर रिएजेंट से। ये क्या है? बेयर अभिकर्मक, बेयर्स रिएजेंट। एक्वस होता है इसका सॉल्यूशन, HOH, तो ये HSO पर ऐड होगा, OH हो गया, फिर फाइनली यहाँ ऐड हो जाएगा और ये OH यहाँ ऐड हो जाएगा। गौर करिए, प्रोडक्ट क्या मिलेगा? CH2OH, सिंगल बॉन्ड CH2OH, ये हो गया एथिलीन ग्लाइकॉल। एथिलीन ग्लाइकॉल ये डाइऑल है, एक विसिनल डाइऑल का एग्जाम्पल आपने पढ़ा था पहले कि जेमिनल और विसिनल होते हैं, दो अलग अलग कार्बन पे OH है, तो ये विसिनल कैटेगरी का हो गया। तो यहाँ बेयर रिएजेंट का जो वायलेट कलर है ये डिमिनिश हो जाता है, गायब हो जाता है, एथिलीन का कोई कलर नहीं, बेयर रिएजेंट का वायलेट कलर और एथिलीन ग्लाइकॉल का भी कोई कलर नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि इससे आप एथिलीन का टेस्ट भी कर सकते हो, या यूं कहिए जितने भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स हैं वो बेयर रिएजेंट को कलरलेस बनाते हैं, उसके कलर को डिसअपीयर कराते हैं। तो बेयर रिएजेंट अनसैचुरेटेड के साथ रिएक्ट करता है, सैचुरेटेड के साथ रिएक्ट नहीं करता है। और ये हो गई ऑक्सीडेशन रिएक्शन एथिलीन की या एथीन की। अब इसके बाद हम लोग इसका पॉलीमराइजेशन कराते हैं, एथीन का पॉलीमराइजेशन कराते हैं और देखते हैं क्या होता है। सिक्स्थ रिएक्शन है यानी कि पॉलीमराइजेशन, पॉलीमराइजेशन या फिर इसको बोलते हैं बहुलीकरण। बहुलीकरण, बहुलीकरण क्या है? अब आपने पढ़ रखा होगा, नहीं पढ़ा है तो ये जानिए कि जब तमाम छोटे छोटे मॉलिक्यूल, टीनी मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होते हैं और एक गेंट मॉलिक्यूल बनाते हैं, बृहद मॉलिक्यूल बनाते हैं, बड़ा अणु बनाते हैं, तो इसको बोलते हैं पॉलीमराइजेशन। और जैसे जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन हो करके एक लार्ज मॉलिक्यूल बनाते हैं, इन छोटे मॉलिक्यूल्स को हम बोलते हैं मोनोमर या एकलक बोलते हैं। और ये जो लार्ज मॉलिक्यूल बनता है, गेंट मॉलिक्यूल बनता है, इसको नाम दिया जाता है पॉलीमर या बहुलक का नाम दिया जाता है। और ये जो प्रॉपर्टी है, ये जो फिनोमिना प्रोसेस है, इसको नाम दिया जाता है पॉलीमराइजेशन का, बहुलीकरण का नाम दिया जाता है। तो चलिए एथीन का हम लोग पॉलीमराइजेशन कराते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH2 से दैट इसके आपने n मॉलिक्यूल्स लिए, यहां कंडीशन होती है O2 के प्रेजेंस में 100 to 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एंड 1000 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब प्रेशर बहुत ज्यादा है, दाब बहुत ज्यादा रखते हैं, ये बॉन्ड टूटेंगे और चेन बनाने में इस्तेमाल होंगे इस तरीके से। CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, यहां से बॉन्ड निकला, फिर यहां से बॉन्ड निकला, ऐसे रिपीट होता जाएगा। तो रिपीटिंग यूनिट क्या है? एथीन है। तो जो मॉलिक्यूल बना, बहुत फेमस कंपाउंड है या पॉलीमर है, एथीन के आगे हमने जोड़ दिया पॉलीथीन, एन की वैल्यू अबाउट 1000 मॉलिक्यूल साइड होंगे, है ना? तो ये पॉलीथीन, पॉलीएथीन या पॉलीथीन बन गया, आप फेमिलियर होंगे पॉलीथीन से।
इसको इस रिएक्शन को कराने का एक तरीका और है इन सिचुएशन को बदल करके, जिसको हम जाइगलर नाटा मेथड बोलते हैं। इसमें क्या है, एक जाइगलर नाटा नाम का एक कैटलिस्ट लिया जाता है, जो क्या होता है, TiCl4 एंड C2H5 होल थ्रायस एयर टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड, 4 क्लोरीन टेट्राक्लोराइड, ट्राई एथिल एल्यूमिनियम, ट्राई एथिल 3 एथिल है एल्यूमिनियम, तो टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड एंड ट्राई एथिल एल्यूमिनियम जो होता है इसको जाइगलर नाटा बोला जाता है। इसके प्रेजेंस में ये इजीली पॉलीमराइज हो जाएगा, CH2 इतना प्रेशर नहीं क्रिएट, ये प्रेशर क्रिएट करना इतनी इजी चीज नहीं है, बहुत टफ टास्क है। सो हम कैटलिस्ट अगर यूज कर लेते हैं तो हमारा काम आसान हो जाएगा। इसके एन मॉलिक्यूल्स लिए और ये आपने लिख लिया TiCl4 प्लस ट्राई एथिल एल्यूमिनियम, जब हमने लिख लिया तो ये प्रोडक्ट वही मिलने वाला है CH2 CH2N, तो एथीन से पॉलीथीन बन गया। तो ये मेथड है पॉलीमराइजेशन का, एथीन का पॉलीमराइजेशन इस ढंग से होता है, प्लास्टिक बनेगी जो पॉलीथीन होती है और पॉलीथीन से हम सभी फैमिलियर हैं। इसके बाद बात आती है ओजोनोलिसिस की। हमने पहले भी ये डिस्कस किया था कि जब हम ओजोनोलिसिस कराएंगे तो सिर्फ एथिलीन का ओजोनोलिसिस नहीं कराएंगे, बल्कि अदर एल्डिहाइड्स का भी ओजोनोलिसिस हम लोग, अदर अदर एल्कीन्स का भी ओजोनोलिसिस हम कराएंगे। इसमें अमूमन एल्डिहाइड और कीटोन्स मिलते हैं, आइए कराते हैं। सेवेंथ और लास्ट रिएक्शन है एल्कीन की, ओजोनोलिसिस, ओजोनीकरण, नाम से ही क्लियर है कि ओजोन मॉलिक्यूल हम ऐड करने वाले हैं। तो चलिए, जैसे एथिलीन है CH डबल बॉन्ड C, अभी यहां पर कोई ग्रुप नहीं है, O3 ऐड करेंगे, एक पहिए वाला घर बना लो आप लोग, पहिए वाला घर बनाने मतलब ये O, यहां एक गैप छोड़िए, ये तीसरा ऑक्सीजन यहां आ गया, ये दो गैप छोड़िए, जो डबल बॉन्ड होता है वहीं से ब्रेकेज होना है, यहां से तोड़ दो, एक कार्बन इस पोर्शन में ले जाके अटैच करिए डबल बॉन्ड कार्बन वाले में से, और एक कार्बन यहां ले जाके अटैच करिए, ये ओजोनाइड बनता है। जैसे ये जो भी एल्कीन है ये बन गया एल्कीन ओजोनाइड, करेस्पॉन्डिंग एल्कीन ओजोनाइड। अब क्या है, अब हम लोग जिंक के प्रेजेंस में हीट करेंगे, किसके साथ, H2O के साथ, दो चांद बना दीजिए आधा आधा, और ये ऑक्सीजन चला जाएगा H2O के पास, H2O2 निकल जाएगा हाइड्रोजन परऑक्साइड, और क्या बना C, ये दोनों बॉन्ड बचे रहेंगे और ये डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, और यहां भी वही चीज C, टू सिंगल बॉन्ड एंड वन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन। जैसे मान लो हमने एल्कीन क्या एग्जाम समझिए, एल्कीन है जहां डबल बॉन्ड है वहीं से तोड़ देंगे, और एक इस कॉर्नर में दूसरा इस कॉर्नर में ले जाके सेट कर दिए, फिर दो चांद लगाइए, आर्क बनाएंगे, और ये ऑक्सीजन चला गया H2O के पास, यहां हाइड्रोलिसिस हो गई जिंक के प्रेजेंस में ओजोनाइड, और यहां पे बन गया कार्बोनिल कंपाउंड। क्या मिलते हैं हमको, CO ग्रुप मतलब होता है कार्बोनिल, कार्बोनिल कंपाउंड्स मिल गए हमको। चलिए देखते हैं क्या होने वाला है। जैसे ये एल्कीन थी एथीन, हमने एथीन ले लिया या एथिलीन ले लिया, एथीन या एथिलीन होता है ना इसका नाम, C2H2 का, यहां H यहां H यहां H यहां H, फिर ये H यहां दिखेंगे अब H H H H, तो ये एल्कीन ओजोनाइट का नेम क्या हो जाएगा, एथिलीन ओजोनाइट। बॉन्ड जब ऐसे ब्रेक कर रहा है तो ए एच यहां पे दिख रहा है, ये वाला एच यहां दिख रहा है, HCHO, और यहां पर दूसरा प्रोडक्ट HCHO HCHO, दोनों मोल किसके बने, फॉर्मेल्डिहाइड के, फॉर्मेल्डिहाइड बन गया, बस ये 2 मोल्स फॉर्मेल्डिहाइड के। नेक्स्ट रिएक्शन हो जो ना एथीन, आपसे बोला गया हाउ विल यू फॉर्म फॉर्मेल्डिहाइड फ्रॉम एथीन, तो ये रहा रिएक्शन, ये रिएक्शन
एल्कीन में तो है ही, जब आप 12th का एल्डिहाइड पढ़ने वाले होंगे तो 12th में ये रिएक्शन आएगी एल्डिहाइड के मेथड ऑफ प्रिपेरेशन में, एल्डिहाइड बनाने की विधियों में। तो एक बेहद इंपॉर्टेंट रिएक्शन है क्योंकि इससे आप कोई भी एल्डिहाइड बना सकते हो बेटा। चलिए बनाते हैं, और से दैट हमने CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 लिया, नेम 1 2 3 प्रोप 1-ईन या प्रोपीन 1 लिख सकते हो, प्रोपीन 1 ले लिया, ओजोन ऐड किया, पहिए वाला घर बना लो आप, व्हील वाला। एक्चुअली होता क्या है कि ये जो ओजोन है बेटा इसी डबल बॉन्ड में सेट हो जाता है, यहीं आकर के यहां ऑक्सीजन ये ऐसे सेट होता है, ठीक है, और ये बॉन्ड खत्म हो जाते हैं डबल बॉन्ड। बट आप एक स्टेप और बढ़ा लोगे तो इजी हो जाएगा। अब यहां से आप तोड़ो इसको, इस डबल बॉन्ड को तोड़ो, तो डबल बॉन्ड के एक तरफ ये सी है, इस सी पर 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, और ये वाला जो डबल बॉन्ड के इधर जो कार्बन है, इस कार्बन पर ये एक CH3 ग्रुप दिख रहा है और दूसरा एक ग्रुप है हाइड्रोजन, ये रहा। तो ये प्रोपीन 1 था, तो ये प्रोपीन 1 ओजोनाइट, ये नेम आप चाहें तो लिख सकते हैं प्रोपीन 1 ओजोनाइट। हमने क्या किया फिर, H2O ऐड किया, किसके प्रेजेंस में, जिंक के प्रेजेंस में, और हीट कर दिया, 2 आर्क्स बनाए, ये ऑक्सीजन यहां आया H2O के पास, माइनस H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड निकल गया, पहला प्रोडक्ट क्या मिला, CH3 CH डबल बॉन्ड O, दूसरा प्रोडक्ट क्या मिला, HCH डबल बॉन्ड O। तो पहला प्रोडक्ट एसिटाल्डिहाइड और दूसरा प्रोडक्ट आपको मिला फॉर्मेल्डिहाइड। तो ये बताना जरूरी नहीं है मुझे, मैं समझता कि ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन हो गई। देखिए एक साथ आपको एस्टरडिहाइड एंड फॉर्मेल्डिहाइड दोनों मिले, तो ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, 12th के बच्चों के लिए, ये बोर्ड एग्जाम के लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हो गया। तो ये चीज हो गई, इसका स्क्रीनशॉट वगैरह आप रख के नोट्स जरूर बनाएंगे आप लोग। इसके बाद इसी में थोड़ा सा हम चेंज लाते हैं, एक क्वेश्चन और बता देते हैं, बाकी आप लोग प्रैक्टिस प्रॉब्लम कर देंगे इससे रिलेटेड। CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, ये हो गया ब्यूट 1 2 3 4। तो ब्यूट 1 2 3 4 सेकेंड पोजीशन पे इन है, ब्यूट 2 इन, इसमें ओजोन ऐड करते हैं, जितने डबल बॉन्ड दिखेंगे उतने ओजोन देने हैं आपको। यहां से बॉन्ड तोड़ा, ये कार्बन H एंड CH3, ये वाला कार्बन, इस पर H एंड CH3 दिख रहा होगा, ये ब्यूट 2-ईन ओजोनाइड हो गया, जिंक हीट H2O, ये ऑक्सीजन आया H2O के पास, H2O2 निकला और ये बन गया CH3CHO, ये दूसरा मॉलिक्यूल भी 2CH3CHO, 2 मोल्स एस्टरडिहाइड के बन गए। अब मान लो यहां मेथिल लगा होता, चलिए इसी में हम एक क्वेश्चन और नया लाते हैं, ये आप ब्यूट 2-ईन से हमने एस्टरडिहाइड बनाया 2 मोल्स, अभी मान लो ब्यूट 2-ईन ना रहता, कुछ इस तरह से होता कि ये H की बजाय यहां एक CH3 भी रहता, मतलब इसका नेम हो जाता 2-methyl-butene, सेकेंड पे मेथिल भी लगा हुआ है, तो ये वाला जो कार्बन है इस पे H की बजाय यहां CH3 दिखेगा। तो जब ये बॉन्ड हम ब्रेक करेंगे H2O देंगे तो ये बना पहला प्रोडक्ट CH3CHO और दूसरा प्रोडक्ट क्या मिला C, इस C पर एक CH3 इधर, एक CH3 इधर और एक ऑक्सीजन यहां, तो ये बन गया एसिटाल्डिहाइड और ये बन गया एसीटोन।
प्रोटोन जो होता है वो एसीटोन कहलाता है। तो इस रिएक्शन में आपने देखा एक एल्कीन से हम एल्डिहाइड और कीटोन सीओ ग्रुप, यहां दोनों एल्किल ग्रुप लगे हुए हैं तो ये होता है कीटोन। तो यहां पे एल्कीन से हमने बनाया एल्डिहाइड और कीटोन थ्रू ओजोनोलिसिस। अगर यहां भी CH3 लगा होता तो आपको दोनों मोल कीटोन के मिल जाते, बट अभी फिलहाल एच है। तो इस तरीके से हमने एल्कीन की ओजोनोलिसिस हमने पढ़ ली। अब आगे हम लोग एल्काइन्स डिस्कस करेंगे। तो ऑर्गेनिक में हमने एक इंपॉर्टेंट सेक्शन खत्म किया, एल्केन्स एंड एल्काइन्स। तो वीडियोस को देखते रहिए, नोट्स बनाइए, रिएक्शंस को रिवाइज करिए। लेक्चर्स पसंद आते हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, कमेंट करिए। चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू बच्चों, ऑल द वेरी बेस्ट।